असल वेलकम टू लेक्चर फोर्टी ऑफ आर कोर्स सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इस कोर्स में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है वी बेसिकली स्टार्ट विद द सी लैंग्वेज कवर्ड इट ऑल द वे थ्रू सो दैट वी न्यू द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग दैन वी वेंट ऑन इन टू सी प्लस प्लस एंड टॉक्ट अबाउट क्लासेज एंड ऑबजेक्ट्स और फिर ऑबजेक्ट्स के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं हाउ दे एनकेप्सुलेट आर इन्फॉर्मेशन क्लासेस के अंदर हम मेंबर फंक्शंस कैसे डिफ़ाइन करते हैं उनसे साथ फिर ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है वी लुक एट अ फ्यू फाइन पॉइंट्स अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर्स और क्लासेस जिनके अंदर डायनमिक मेमोरी एलोकेशन की जाती है उनकी क्या लवाजमात हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों डिफ़ाइन करना पड़ता है इन सो ऑन अब हम थोड़े से और फाइन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें कोई ज़्यादा नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं होंगी लेकिन जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे कुछ नए आइडियाज़ कॉन्सेप्ट पेश करेंगे और फिर टूअर्स द लास्ट थ्री लेक्चर्स आई इंटेंड टू टेक वन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल एंड लीड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन इन टू द वेरियस स्मॉलर पीस विच विल बी इन दिस केस ऑब्जेक्ट्स एंड देन द कोड दैट दोज विद इन टर्म्स ऑफ मेम्बर फंक्शंस सो आज के लिए हम जिस चीज़ की बात करना चाहते हैं वो ये है कि जी हमारे जो हम क्लासेस क्रिएट करते हैं क्या उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट द आंसर इन फैक्ट इज़ सेल्फ एविडेंट देखें क्लास का हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया क्लास क्या चीज़ है इट्स अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ इसके अंदर कुछ और एडिशनल फीचर्स हैं फीचर्स इस किस्म के हैं कि उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए मेंबर फंक्शंस और बाकी चीज़ें जो हैं वो क्लास के अंदर ही मौजूद हैं और फिर पब्लिक और प्राइवेट जो हैं हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स इनके साथ हमने इस तरह से डिक्लेयर करना शुरू किया था कि हम क्या चीज़ क्लास के बाहर से दिखाना चाहते हैं और क्या चीज़ क्लास के अंदर ही रखना चाहते हैं डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि वेरिएबल नेम्स की कुछ बंदिश कम हो गई कि जी क्लास के अंदर जो प्राइवेट वेरिएबल नेम इस्तेमाल किया गया है वो बाहर अलीहदा से इस्तेमाल हो सकता है विदाउट हैविंग एनी ओवरलैप और हैविंग एनी साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द अदर हैंड हम क्लास का एक पब्लिक इंटरफेस भी देना चाहते हैं जो चीज़ें बाहर से नजर आएँ सो वी कुड वेरी इजिली सेपरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ क्लास एंड वॉट वी वॉन्ट टू शो फ्रॉम द आउटसाइड इसका भी हमने फ़ायदा डिस्कस किया लेट्स जस्ट रिव्यू दैट द आइडिया बिहाइंड सेपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विच मीन्स क्लास के अंदर क्या होता है एंड द इंटरफेस वि मीन्स के क्लास बाहर से कैसी नज़र आती है उसका हमें मेजर एडवांटेज ये था कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप जब चाहें बदल लें अगर आपको नया आइडिया आ गया है नई प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट आ गई है कोई आपको तरीका आपको ख्याल आ गया है जिससे आप क्लास की वर्किंग ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं एफिशिएंट बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड जिस पे वो चलती है या इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कि जी कम स्टोरेज में यही काम हो सकता है आप इंटरनल वर्किंग्स को जब चाहें बदल सकते हैं एज़ लॉन्ग एज द एक्सटर्नल इंटरफेस रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड अगेन आई विल रिमाइंड यू ऑफ दैट ओल्ड एग्जाम्पल ऑफ अ मोटर व्हीकल जैसे गाड़ियाँ हैं हमारी कि जी इनके अंदर की वर्किंग जो है वो तो हर साल बदलती जाती है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाती है लेकिन अगर हमें गाड़ी ड्राइव करनी आती है तो हम ड्राइव कर रहे हैं उसको एक्सटर्नल इंटरफेस के साथ यानी स्टीयरिंग व्हील है स्टार्टर स्विच है क्लच है ब्रेक है एक्सलेटर है एक्सटर्नल इंटरफेस वो तकरीबन कॉन्स्टेंट ही रहता है ताकि अगर एक कार चलानी आती है तो दूसरी कार में भी बैठ के आप उसको चला सकते हैं आपको इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि जी पिछली कार जो थी वो उसका इंजन जो था उसमें काबोरेटर लगा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर था कोयल थी अम, स्पार्क प्लग्स लगे हुए थे अब जो है वो आप कोई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी चला रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है या वो फ्यूल सेल वाली गाड़ी है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल इस्तेमाल होता है आपको उससे गर्ज नहीं है इन अदर वर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन कैन चेंज बट द यूज़र इंटरफेस डज <coughs> उसके बाद अगर आप देखें कि जी जो डेटा मेंबर्स थे क्लास के नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइवेट डेटा मेंबर्स दोज वर नॉर्मली कंपोज ऑफ सिंपलर वेरिएबल्स इंट फ्लोट चार जो भी नेटिव डेटा टाइप्स हैं हमारे पास सी प्लस प्लस में उसके साथ हम इंटरनल डेटा मेंबर्स एक क्लास के डिफाइन करते थे उसके साथ एरेज भी आ जाती हैं पॉइंटर्स भी आ जाते हैं फिर डायनेमिक मेमरी एलोकेशन भी आ जाती है बट दोज वर द इनसाइड पार्ट्स ऑफ अ क्लास जिस क्वेश्चन से मैंने आज का लेक्चर शुरू किया है वो क्वेश्चन ये है कि जी क्या हम लिमिटेड हैं कि क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स बनते हैं पब्लिक हों प्राइवेट हों डट मैटर क्या वो डेटा मेंबर्स सिर्फ नेटिव डेटा टाइप्स के हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं वेल अगेन इफ यू थिंक अबाउट इट सिंस वी हैव कॉन्स्टेंटली सेड दैट अ क्लास इज़ नथिंग मोर देन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जैसे ही आपने एक क्लास पूरी डिफ़ाइन कर ली लिख ली तो आपके पास एक नई डेटा टाइप आ गई अगर वो डेटा टाइप आपके पास आ गई है तो जहाँ पे आप नेटिव डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं यानी इंक फ्लोट चार एसेट्रा वहाँ पे आप अपनी डिफाइंड डेटा टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ इसी स्टेटमेंट को लेके द आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली येस यू कैन यूज़ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एज मेम्बर्स ऑफ अ क्लास नाउ दैट मीन्स दैट अ क्लास कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बट द आइडिया इज दिस कि जहाँ पर लेट्स टेक अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल सपोज हमने एक क्लास लिखी है और वह क्लास है डेट हमने पहले भी इसके साथ कुछ खेला भी था एक डेट क्लास बनाई थी जिसमें मंथ डे यर करके हमने उसके डेटा मेम्बर्स बनाए थे फिर उसको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ फंक्शन लिखे थे और ये एक हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कंप्लीट कर ली कि जनाब ये एक डेट टाइप ऑफ वेरिएबल डिफ़ाइन करती है और ये उसको स्टोर कर सकती है अब जब हमारे पास ये एक किस्म का समझ लें बिल्डिंग ब्लॉक आ गया सो अगेन माय एनालॉजी ऑलवेज़ गोज़ बैक टू कि हमने रेत और सीमेंट और पानी से शुरू किया और फिर हमने एक उसका एक ब्लॉक बना लिया अब अगर ब्लॉक बन गया है तो उस ब्लॉक से भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और औरिजिनल चीज़ों से भी कर सकते हैं बट जब ब्लॉक बन गया है तो फिर उससे दीवार बनानी अब ज़्यादा आसान है बाई यूजिंग मल्टीपल ब्लॉक्स सो नाउ इफ वी हैव डिफाइंड अ डेट डेटा टाइप वी माइट माईट वेल स्टार्ट यूजिंग इट टू डिफ़ाइन अदर डेटा टाइप्स थिंक अबाउट अ पर्सन ठीक है मतलब एक इंसान के बारे में अगर हमने एक ऑब्जेक्ट तश्कील देना है वी वॉन्ट टू डिफाइन अ क्लास विच इज़ ऑफ टाइप पर्सन उसके लिए हम कह सकते हैं कि जी उसका नाम जो है एक डेटा मेम्बर होगा

यानी डेट ऑफ बर्थ सो डेट ऑफ बर्थ इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ पर्सन नाउ कम अपन जी डेट ऑफ बर्थ को इस क्लास के अंदर कैसे शामिल करना है ईदर वी कुड डिफाइन थ्री इंटेज वन रेप्रजेंटिंग द ईयर ऑफ बर्थ वन रेप्रजेंटिंग द मंथ ऑफ बर्थ एंड वन रिप्रेजेंटिंग द डेट ऑफ दैट मंथ द मंथ दूसरा तरीका ये है कि जी हमारे पास डेट डेटा टाइप तो ऑलरेडी बन चुकी है so why not define a data member of type date it's very simple no difference from using the native data types up eska data structure we would have char pointer to name char pointer to address and date date of birth so we define a variable as a data member this data type is nothing more than one of our predefined or user defined data types Yes, is we can just construct a class सो कंस्ट्रेड्रबल री यूज ऑफ कोड हैज़ हैपन यानी जितनी हमने एफर्ट लगाई थी डेट क्लास लिखने में वो अब बगैर एक और लाइन लिखे हम डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन डिफाइनिंग अ न्यू क्लास देखें ये जो डिक्लरेशन हमने की है एज अ डेटा मेंबर हमने कहा है डेट डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे कि इसके साथ मैंने कोई इनिशलाइजर नहीं लिखा तो क्या मतलब इसका डिफ़ल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा द आंसर इज़ नो इफ़ यू रिकॉल जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ डेटा टाइप मेमोरी तो उस वक्त एलोकेट होगी जब इसका कोई हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करेंगे सो दैट हैज़ टू कम लेटर सपोज़ हम डेट को इनिशलाइज़ करना चाहते हैं यानी वो डेट डेटा मेम्बर जो पर्सन के अंदर बैठा हुआ है तो क्वेश्चन इज पहले कि जी हम क्यों इनिशलाइज़ करना चाहते हैं नंबर दो कब इनिशलाइज़ होगा और नंबर तीन कैसे क्यों की बात तो ये है कि जी हम पर्सन ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करना चाहेंगे अभी तो डेफिनेशन है ना क्लास डेफिनेशन की बात हो रही थी अब हम जब पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं तो नॉर्मली हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर होता है अगर हमने इस पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए हमने उसका नाम और पता देना है तो हम चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर जो है वही इसको असाइन कर दे तो अगर वो कंस्ट्रक्टर नाम और एड्रेस जो है उसको असाइन कर रहा है तो माइट एस वेल यूज़ द सेम कंस्ट्रक्टर टू असाइन द डेट ऑफ बर्थ फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर इन विच थिंग आर एक्सिक्यूटेड देखें जब ऑर्डनरी वेरिएबल्स थे एज डेटा मेम्बर्स तो वो तो समझने के जी लैंग्वेज को ही पता है कंपाइलर को भी पता है कि जनाब ये एग्जिस्ट करते हैं और मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है मेमरी कैसे लोकेट करनी एन सो एन सो फोर्थ जब हम अपनी किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का डेटा मेम्बर बना देते हैं तो दिस क्वेश्चन मस्ट अराइज इन योर हैद्स कि जनाब अब पर्सन ऑब्जेक्ट पहले बनेगा या डेट ऑब्जेक्ट पहले बनेगा वेल द आंसर इज के अगर ये डेट ऑब्जेक्ट क्लास का मेंबर ना होता तो क्या चार पॉइंटर पहले बनता या पर्सन पहले बनता आंसर इज ऑब्स कि जी चार पॉइंटर तो बिल्ट इन है वो पहले से बना हुआ है इसी तरीके से अगर नेटिव डेटा टाइप्स पहले से एग्जिस्ट करती हैं तो जब भी हम कोई अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं एज अ मेंबर ऑफ अ क्लास व्हाट हैपेंस इज़ कि जी पहले वो वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो फिर बाहर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है सो देर इज एन ऑर्डर ऑफ क्रिएशन एंड दिस इज़ बेसिकली द रिवर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन सो नाओ लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ हाउ टू गेट एन इनिशलाइजर राइट इन द पर्सन क्लास सो दैट द डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो इनिशलाइज्ड टू डू दैट अब हम पर्सन का कंस्ट्रक्टर लिखते हैं और पर्सन के कंस्ट्रक्टर को दो तो हमने स्ट्रिंग्स पास कर दी जिसके अंदर नाम भी है और पता भी है और उसके बाद हम तीन उसको इंटीजर्स देना चाहेंगे जो कि डे मंथ और ईयर जो डेटा मेंबर्स हैं डेट ऑब्जेक्ट के उनकी भी वैल्यूज़ हम पर्सन के कंस्ट्रक्टर को पास कर दें सो इतना पर्सन के कंस्ट्रक्टर की कॉल तो बड़ी सिंपल हो गई वो तो हमने लिख ली अब पर्सन के कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके क्या हम डेट के डेटा मेंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं नॉर्मली अगर आपके पास डेट का कोई सेट जो है फंक्शन हो यानी सेट डे सेट मंथ जो हम डेट क्लास के पब्लिक इंटरफेस में डिफ़ाइन कर चुके हैं तो उनको तो इस्तेमाल करके हम उसका डे मंथ ईयर सेट कर ही सकते हैं बट देट इज़ वेस्टफुल वाई इज़ इट वेस्टफुल यू अगेन हैव टू स्टेप बैक एंड थिंक इन द फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल डेट ऑब्जेक्ट पहले बनेगा जब डेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो फिर वो उसको कम्बाइन किया जाएगा चार पॉइंटर जो नेम है और चार पॉइंटर जो एड्रेस है और इनके साथ कम्बाइन करके ये डेटा स्ट्रक्चर जो, है, जो compound data structure है इससे हम पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका मतलब ये है कि डेट ऑब्जेक्ट का constructor जो है, वो पहले कॉल हो चुका होगा बिफोर द पर्सन ऑब्जेक्ट कम्स इन टू बींग दैट मीन्स द डेट ऑब्जेक्ट नाउ एग्जिस्ट एंड देन द पर्सन ऑब्जेक्ट कम्स इन टू बींग इफ यू थिंक अबाउट वट आई हेव जस्ट सेड अगर हम पर्सन के कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके डेट ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करते हैं तो डेट ऑब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड उसका कंस्ट्रक्टर चल चुका हुआ है और फिर हम उसके सेट फंक्शंस के साथ डे मंथ और ईयर की वैल्यूज सेट करेंगे इज इट ओके यस इट्स ओके बट इट इज स्लाइटली वेस्टफुल बिकॉज कंस्ट्रक्टर अगर डेट का हमारे पास हो जो कि डे मंथ ईयर की वैल्यूज़ लेके एक प्रॉपर्ली इनिशलाइज डेट ऑब्जेक्ट हमें वापस करता हो तो देन वी शुड कॉल दैट कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्ट द डेट ऑब्जेक्ट फॉर अस विद द वैल्यूज फॉर दैट बर्थ डेट इन देयर एंड देन यूज दैट फुली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट इन द पर्सन कंस्ट्रक्टर विदाउट हैविंग टू इनिशलाइज एनी मोर कोई असाइनमेंट या सेट मेंबर फंक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं इनिशलाइज़र लिस्ट इनिशलाइज़र लिस्ट जो है वो नॉर्मली कंस्ट्रक्टर की पूरी कॉल के बाद लिखी जाती है और उसका सिंटेक्स जो है वो आप देख लें आपके हैंड में भी है कि जो कंस्ट्रक्टर के परेंथिसिस जो हैं फंक्शन कॉल ही है उसके जब पैरेंथिस ख़त्म होते हैं वहाँ पे हम एक कोलन लिखते हैं और कोलन के बाद आपकी इनिशलाइजर लिस्ट शुरू हो जाती है कि जी ये कंस्ट्रक्टर एक्सिक्यूट करने से पहले और क्या काम करना है सो so, वहाँ पे आप डेट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं और जो पर्सन के कंस्ट्रक्टर को हमने आर्गूमेंट्स पेश किए थे या भेजे थे यानी हमने वो तीन इंटीजर्स भी भेज दिए थे डे मंथ ईयर के लिए वही इंटीजर वेरिएबल्स अब आप डेट के कंस्ट्रक्टर को पास कर सकते हैं सो इफ़ यू लुक एट द सिंटैक्स इट्स क्वाइट सिंपल इट्स नॉट डिफिकल्ट यू हैव द प्रोटोटाइप फॉर द पर्सन कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर अब पांच हम आर्गमेंट्स पेस पास कर रहे हैं दो चार पॉइंटर्स हैं यानी स्ट्रिंग्स हैं विच आर होल्डिंग द नेम एंड द एड्रेस एंड वी आर ऑल्सो पासिंग थ्री इंट्स रिप्रेजेंटिंग द डे मंथ ईयर और फिर विदाउट गोइंग इन टू द कंस्ट्रक्टर इट सेल्फ उसकी बॉडी में अभी जाने से पहले ही हम कोलन डाल के लिख देते हैं डेट का कंस्ट्रक्टर और डेट के कंस्ट्रक्टर को वही तीन डे मंथ ईयर के जो वेरिएबल्स थे जो भी उनका नाम दिया हुआ है आई जे के डे मंथ ईयर वॉट एवर यू वॉन्ट वही आगे लिख देंगे वॉट इज आप देख लें इसे होगा क्या जब आपका पर्सन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर चलने से पहले डेट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और डेट का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा उसको ये वैल्यूज़ पास कर दी जाएंगी ना इफ़ योर डेट ऑब्जेक्ट वॉज प्रॉपरली डिफाइंड एंड आई होप इट वॉज कि जी उसके अंदर तीन इंटीजर्स दिए जाएं तो इट रिटर्न अ प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड डेट ऑब्जेक्ट विद द डे मंथ इन दीयर वैल्यूज ऑलरेडी सेट तो डेट इनिशलाइज हो जाएगी अब पर्सन का कंस्ट्रक्टर चलेगा और इसके अंदर Date object is already constructed, so all you need to do is assign the name and the address. So you don't need to call the set functions. Wasteful मैंने पहले कहा था होता है, because अगर आप default constructor चलने देते date का, यानी initializer list ना इस्तेमाल करते, that means कि जी constructor तो उसका call हो जाता, और फिर ऊपर से आपको तीन उसके member functions अलग-अलग से call करने पड़ते, to set the values for date.

वेन एवर वी टॉक अबाउट अ लिस्ट इट इज़ अ कामा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ सो इसी तरीके से जब हम इनिशलाइजर लिस्ट की बात करते हैं इट मीन्स एक इनिशलाइज़र आएगा कॉमा दूसरा इनिशलाइज़र आएगा कॉमा तीसरा आएगा एंड सो ऑन सो अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों ऐज मेम्बर्स ऑफ एनदर इनक्लोजिंग क्लास तो उसकी इनिशलाइजर लिस्ट यानी उनके कॉन्स्ट्रक्टर जो हैं इस तरह से लिस्ट किए जा सकते हैं एक कॉलन के बाद उनकी लिस्ट शुरू हो जाती है किस ऑर्डर में कॉल होंगे ये कोई लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट ऑर्डर नहीं है इसका ख्याल रखिएगा ये ऑर्डर होगा क्लास के अंदर जैसे उनकी डेफिनेशन हुई हुई है अगर पहले डेट डिफाइन हुई हुई है तो डेट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सपोज देर इज अनदर डेट लेट्स से द डेट ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस एज पार्ट ऑफ द पर्सन क्लास वो अगर बाद में डिफाइन हुई हुई है तो उसका कंस्ट्रक्टर भी बाद में कॉल होगा एंड एज आई मैंशन अर्लियर The destructor calls are in the reverse sequence. जैसे मैं आमतौर पे आपको कहता होता हूँ, इस काम को करने के लिए you should write your own little code and experiment with this. It is important to know कि जी पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है, because you don't have direct control over these things. What you should do is you should define a person class, you should define a date class, और person class के अंदर date का एक data object या member रखें. पर्सन क्लास के अंदर और हर चीज़ के कंस्ट्रक्टर के अंदर यानी डेट के कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कोई सी आउट के साथ स्टेटमेंट डाल दें सेइंग इनसाइड डेट कंस्ट्रक्टर और इसी तरीके से पर्सन के भी कंस्ट्रक्टर में डालें सी आउट इनसाइड पर्सन कंस्ट्रक्टर और इनके डिस्ट्रक्टर्स भी डिफाइन करें जिसके अंदर सिर्फ ये सी आउट स्टेटमेंट पड़ी हो कि जी इन डेट्स डिस्ट्रक्टर एंड इन पर्सन डिस्ट्रक्टर उसके बाद इनके कोई एक सिंपल सा फंक्शन लिख लें जो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और ख़त्म और कुछ भी ना करे यू विल नोटिस कि आपके कंसोल स्क्रीन के ऊपर ये ऑर्डर आ जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले हुई है कौन सी चीज़ बाद में हुई है सो इट्स एन ईजी वे टू ट्रैक दीज थिंग्स एंड यू विल नोटिस कि पहले डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फिर पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और जब ये डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो पहले पर्सन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा फिर डेट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ना इवन दैट इफ यू थिंक अबाउट इट मेक्स लॉजिकल सेंस जब तक हमने एम्बेड ऑब्जेक्ट्स नहीं रखे थे उतनी देर तक तो वी वर टॉकिंग जी नेटिव डेटा टाइप्स इस्तेमाल हो रही हैं एक क्लास के अंदर अब हमने जब अपना ऑब्जेक्ट रख दिया है तो यू कैन थिंक जी पहले इनक्लोजिंग ऑब्जेक्ट विच वॉज द पर्सन क्लास पहले वो ख़त्म होता है वह जब ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके जो टुकड़े हैं उनको फ्री किया जाता है सो so, अगर इंट चार डबल फ्लोट ये इस तरह की चीज़ें थी वो नेटिव डेटा टाइप्स हैं उनको फ्री करना आता है लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है लाइक like डेट तो फिर आफ्टर द पर्सन हैज बीन डिस्ट्रॉयड द डेट इज डिस्ट्रॉयड सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज क्वाइट क्लियर बट यू शुड प्रूव इट टू योर चलें इन सारे जो ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन है इसके लिए एक एग्जाम्पल ज़रा वर्कआउट करते हैं ताकि सही तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लेट अस स्टार्ट विद अ क्लास कॉल्ड कॉलम हम जा रहे हैं मेट्रिक्स की तरफ और मेट्रिक्स मेरा काफ़ी फेवरेट किस्म का ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट विद क्लास कॉल्ड कॉलम एक सिंपल डेटा मेम्बर है इंट साइज़ इसका एक कंस्ट्रक्टर लिखें और कंस्ट्रक्टर जो है इट शुड जस्ट हैव अ डिस्प्ले लाइन कॉलम क्रिएटेड फिर हम इसका एक डिस्प्ले फंक्शन लिख लेते हैं जो कि साइज़ की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा एंड दैट्स अबाउट इट ठीक है ना नथिंग मच मोर देन दैट सेट फंक्शन लिखना चाहें सेट लिख लें अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर है तो वी कैन यूज दैट टू इनिशलाइज दिस चलें जी एक क्लास हमारे पास डिफाइन हो गई इसे आगे चलते हैं लेट्स डिफाइन अ सेकेंड क्लास कॉल्ड रो रो क्लास का फिर हम कहते हैं कि जी एक डेटा मेम्बर है विच इज साइज नॉर्मली अगर देखें अगर कॉन्सर्ट में नाम साइज़ हमने रख दिया है तो अभी उसी के साथ चलते हैं अदरवाइज कॉलम का हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं रो का हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे आप जब रो हम डिफाइन करने चले हैं तो हम कहेंगे जी एक रो में कई कॉलम्स होते हैं सो so, एक रो में वी कैन थिंक ऑफ ईच एलिमेंट एज बींग कॉलम सो वी विल हैव इंट साइज एज अ डेटा मेम्बर एंड विल ऑल्सो हैव अ कॉलम एज अ डेटा मेम्बर सो एक एम्बेडेड क्लास आ गई यानी रो क्लास के अंदर एक डेटा मेम्बर जो है इज़ ऑफ आर ओन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ऑफ टाइप कॉलम सो उसको हमने कॉल सी नाम दे दिया या कॉल नाम दे दिया जो भी हमारा दिल करे और फिर इसी तरीके से एक सेट फंक्शन लिख लें जो कि साइज़ को सेट कर सके कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर लिखें कि जी इन साइड कॉन्स्ट्रक्टर फॉर ऑब्जेक्ट रो ठीक है ताकि हमें पता चल सके कहाँ पर है इसी तरह जैसे कॉलम में भी हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर uh, एक डाल देते हैं कि जी कॉलम डिस्ट्रॉयड रो में भी एक डिस्ट्रक्टर डाल दें रो डिस्ट्रॉयड वो डिस्प्ले करें स्क्रीन के ऊपर सो so, अब हमारी हैरार देखें क्या बन रही है पहले हमने एक कॉलम क्लास डिक्लेयर की छोटी सी चीज़ है दो तीन बीच में फंक्शंस हैं एक डेटा मेंबर है उसके बाद हम आ गए एक रो क्लास के ऊपर जिसके अंदर एक उसका अपना डेटा मेंबर है इंट साइज़ और दूसरा डेटा मेंबर जो है वो रो uh, कॉलम हमने डाल दिया उसके अंदर और इसके फिर वही सेट और डिस्प्ले फंक्शंस डाल दिए कंस्ट्रक्टर डाल दिया डिस्ट्रक्टर डाल, डाल दिया इससे आगे चलते हैं अब हम एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं क्लास मेट्रिक्स अगर क्लास हम मेट्रिक्स डिफाइन करने चले हैं तो एज पर आर एम्बेडेड स्ट्रक्चर उसमें रो डालने से हमारा काम बन जाता है लेकिन चलिए हम इंट साइज़ फिर रख लेते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है इट्स अ वेरी कॉन्ट्राइव्ड एग्जाम्पल बेसिकली आई आइडिया बिहाइंड दिस एग्ज़ाम्पल इज जस्ट टू सी द सिक्वेंस इन विच थिंगस हैपन सो क्लास मेट्रिक्स के अंदर हम एक मेम्बर ऑब्जेक्ट जो है या मेम्बर क्लास का एक डेटा मेम्बर बना लेते हैं और वो है रो टाइप डेटा मेम्बर और फिर इसका भी कॉन्स्ट्रक्टर होगा मेट्रिक्स क्रिएटिड डिस्प्ले करेगा इसका भी हम डिस्ट्रक्टर लिख लेते हैं जो कहेगा मेट्रिक्स डिस्ट्रॉयड ये तीन क्लासेज लिखने के बाद हम चले जाते हैं और अपना मेन फंक्शन लिख देते हैं उसमें हम कहते हैं कि जी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो मैट्रिक्स एम एम क्रिएट हो गई उसके बाद हम चले कह देते हैं एम डॉट डिस्प्ले जो भी मैट्रिक्स का हम डिस्प्ले करना चाहते हैं एंड दैट बेसिकली इज इट हम और कुछ नहीं करना चाहते इस प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करके चलाएंगे तो व्हाट वाट इज कि जैसे ही मैट्रिक्स क्रिएट होती है तो वो कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते जाएंगे इन लाइन यू विल नोटिस कि जी मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए आपको एक रो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और रो को क्रिएट करने के लिए एक कॉलम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि जी कॉलम का ऑब्जेक्ट जो इनर मोस्ट है वो एक्चुअली सबसे पहले क्रिएट होगा जब कॉलम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो एक रो का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर कॉलम ऑब्जेक्ट है जब रो का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो फिर मेट्रिक्स ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर रो का एक एलिमेंट है सो यू विल सी द कंस्ट्रक्टर्स इन दैट ऑर्डर सेइंग कॉलम कंस्ट्रक्टेड देन यू विल सी रो कंस्ट्रक्टेड एंड देन यू विल सी मेट्रिक्स कंस्ट्रक्टेड इसके बाद आपने कोई फंक्शन कॉल करनी है तो कर लें लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो यू विल नोटिस जी पहले सबसे बाहर वाली चीज़ विच इज़ द मेट्रिक्स मेट्रिक्स डिस्ट्रॉयड उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल रो डिस्ट्रॉयड और उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल कॉलम डिस्ट्रॉयड सो यू विल बी एबल टू सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसी तरीके से अगर आप कोई पैरामीटर्स पास करना चाहें तो इनिशलाइजर लिस्ट याद रखिए यू कैन पास अ साइज वैल्यू टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास मैट्रिक्स व्हिच कैन देन पास दैट साइज वैल्यू थ्रू एन इनिशलाइजर लिस्ट टू इट्स मेंबर ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप रो और रो का कंस्ट्रक्टर जो है दैट कैन इन टर्न पास दैट एलिमेंट साइज एज थ्रू एन इनिशलाइजर लिस्ट टू इट्स ओन एनक्लोज डेटा ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ टाइप कॉलम सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग लेकिन अगेन ये चीज़ें जो हैं देखें वी नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनीथिंग न्यू अदर देन मे बी के जी इनिशलाइजर लिस्ट की हमने बात कर ली हम सिर्फ कर रहे हैं इस्तेमाल हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को जी क्लासेस और उनकी इंस्टेंशिएशन यानी ऑब्जेक्ट्स उनकी इस्तेमाल की बात हो रही है जस्ट टू रीकैप, सिंस द क्लासेज रिप्रजेंट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वी कैन यूज़ दैम वेर एवर वी यूज़ द नेटिव डेटा टाइप्स सो अ क्लास कैन हैव अदर ऑब्जेक्ट्स एज डेटा मेम्बर्स सिर्फ जिस चीज का ख्याल रखना है कौन सी चीज़ पहले क्रिएट होती है कौन सी चीज़ डिस्ट्रॉय होती है कहाँ से आप उसको देख सकते हैं उसका इंटरफेस क्या होगा पब्लिक विजिबिलिटी क्या है प्राइवेट विजिबिलिटी क्या है बाय इनक्लोजिंग अ क्लास ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर क्लास कोई विजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता यानी जो भी रूल्स रो ने या कॉलम ने एनफोर्स किए हैं उसकी इनक्लोजिंग क्लास के ऊपर वो रूल्स अप्लाई करेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू हैव एनी एक्सेस टू अ पब्लिक मेम्बर ऑफ एन इनक्लोज ऑब्जेक्ट you can use a dot 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 notation you could say matrix dot row dot column dot size agar ye cheeze public hoti to agar size public hota to phir aap ye istemal kar sakte hain and you can resolve the visibility of these objects other than that it's just think about it ki ji iska koi fayda hota hai fayda to simple ye hai कि जी existing building blocks को लेके हमने ज़्यादा complex objects create कर लिए यानी date class का मैंने example दिया था डेट अगर डिफाइंड है तो हमने पर्सन ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर ली री ऑफ कोड कहीं हो रहा है थिंक अबाउट इट डेट तो एक बड़ा जेनेरिक किस्म का ऑब्जेक्ट है डेट पर्सन में भी जाता है डेट किसी किस्म की डॉक्यूमेंट में भी जाता है ड्राइविंग लाइसेंस का अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें भी जाएगा एक चेक लिख रहे हैं और चेक का अगर हमने कोई क्लास डिफाइन की है उसमें चेक डेट जो है वो भी डेट ऑब्जेक्ट जाएगा सो डेट इज़ वेरी जेनेरिक इट इज़ यूज ऑल द टाइम नन even in other situations where you have maybe not a class which is of such universal use it is still better to start encapsulating things where pe manipulation honi data structure jo well defined tareeke se encapsulate ho jaye aur us which is our user defined data type usko hum complex building blocks and again to take an analogy from the real world you should always think in terms of कि जी कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसके दो तरीके हैं एक तो आप बेसिक मटेरियल्स के साथ शुरू हों और फिर उससे बना बना के आप एंड रिज़ल्ट अचीव करें दूसरा तरीका ये है कि जी बेसिक मटेरियल से पहले कोई इंटरमीडिएट मटीरियल्स तैयार कर लिए जाएं और फिर उनसे कोई और कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाई जाए मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल वुड वर्किंग का शौक है मुझे मैं बनाता रहता हूँ लकड़ी से चीज़ें बनाता रहता हूँ अगर मैंने एक पिक्चर का फ्रेम बनाना है मेरे पास दो ऑप्शन हैं या तो मैं बाज़ार से जाके एक लकड़ी का तोदा खरीदूँ आई I मीन mean टुकड़ा ह्यूज ब्लॉक और फिर मैं रंदा चलाऊँ आरी चलाऊँ और उसके अंदर से स्ट्रिप्स निकालूँ और स्ट्रिप से फिर काट पीट के मैं एक फ्रेम फैशन करूँ दूसरा तरीका जैसे आपको पता है अगर आप लकड़ी की दुकान पर जाएँ तो ना सिर्फ आपको लकड़ी भी मिलती है लेकिन शीट्स भी मिल जाते हैं आपको स्ट्रिप्स भी मिल जाती हैं जिनको हम गोले कहते हैं पिक्चर फ्रेम्स के लिए भी बने हुए पूरे सेक्शंस मिल जाते हैं सात फुट लंबा और पूरा उसके अंदर डिज़ाइन बना हुआ तो क्यों मैं रॉ लकड़ी के साथ शुरू करूँ बाई शूंट आई सिंपली बाय अ स्ट्रिप विच हैज़ ऑलरेडी गॉट ऑल द डिज़ाइंस ऑन इट और उसको मैं काट के सिंपली चार स्टेप्स के अंदर एक फ्रेम बना लूँ दैट इज़ अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकेप्सुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद इन क्लासेस कि जी अगर आप एक क्लास बना लेते हैं जिसका री हो सकता है तो दूसरी दफा आपको वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा यू विल बी सिंपली यूजिंग

वो ये है कि जी बैक टू आर डेट क्लास जब हमने डेट क्लास लिखी उसको डेवलप किया और उसको इस्तेमाल किया और सिर्फ एज डेट इस्तेमाल किया तो एक किस्म की सारी डिबगिंग तो हो चुकी दैट कोड इज़ फुली डिबग इट इज़ फुली वर्किंग उसके अंदर कोई एरर नहीं बचा वो नहीं बचा तो वो हमारी लाइब्रेरी में चली गई एज अ बिल्डिंग ब्लॉक नेक्स्ट टाइम वी डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट कि उसके अंदर कैसे लिखा था वी जस्ट पिक इट ऑफ द शेल्फ एंड यूज इट इन न्यू क्लास नोइंग इन के जी ये काम होता है ये चलता है कोड इसके अंदर कोई एरर नहीं है हम नया कोड उसके ऊपर ऐड करें और कोई बड़ी क्लास या मोर कॉम्प्लेक्स क्लास डिवेलप कर सकें जस्ट अ फाइनल फाइन पॉइंट बिफोर वी मूव ऑन कई दफ़ा हम जो डेटा मेम्बर्स हैं उनको कॉन्स्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं दे आर कॉन्स्टेंट्स फॉर देट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल पर्सन जो है उसके अंदर यू कुड इजिली थिंक ऑफ कि जी इसकी डेट ऑफ बर्थ तो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट उसकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो गई डेट ऑफ बर्थ चेंज एज चेंजेस बट डेट ऑफ बर्थ इज अ कॉन्स्टेंट तो इफ़ यू क्रिएट अ पर्सन क्लास और उसके अंदर आप लिख देते हैं कॉन्स्ट डेट डेट ऑफ बर्थ यू हैव टू इमीजिएटली वरी अबाउट इनिशलाइजेशन वजह उसकी कि कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो एक दफ़ा क्रिएट हो गया तो उसके बाद उसको वैल्यू असाइन नहीं हो सकती सो यू हैव टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर विच इज़ पैरामीटराइज एंड यू हैव टू यूज़ एन इनिशलाइज लिस्ट अदरवाइज़ वो डिफ़ॉल्ट इनिशलाइजेशन पे चला जाएगा अगर आपको हमारी वो डेट क्लास याद है तो वो शायद जनवरी फर्स्ट ईयर ऑफ जीरो ज़ीरो इनिशलाइज़ होती थी अगर आप पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ को इनिशलाइज़ नहीं करेंगे So, what you will get is a person object with a const date, date of birth initialized to January 1, year 0. set functions const So, set functions will fail. In fact, the compiler won't even compile the program. So, you have to be careful. You must provide a constructor which takes the necessary arguments and then use the initializer list whenever you are using const objects within classes. मूविंग ऑन अगर आपको याद हो अगर आप किताब भी पढ़ते रहे हैं और लैंग्वेज देखते रहे हैं वी कुड डिफाइन अ स्ट्रक्चर इन अ स्ट्रक्चर जब हम लैंग्वेज पढ़ रहे थे और स्ट्रक्ट्स और यूनियंस की बात हो रही थी तो स्ट्रक्ट के अंदर भी स्ट्रक्ट डिफाइन हो सकता है पहली चीज़ स्ट्रक्चर और क्लासेस में फ़र्क क्या है कुछ याद है आपको सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस आर वेरी 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 सिमिलर दे बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दोनों के अंदर डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस यानी मेंबर फंक्शंस टू मैनिपुलेट दैट डेटा मौजूद हो सकते हैं सी वाले स्ट्रक्ट में नहीं हो सकते सी प्लस प्लस में हो सकते हैं फ़र्क ये है कि जो सी प्लस प्लस का स्ट्रक्ट है उसके अंदर डिफॉल्ट विजिबिलिटी इज़ पब्लिक यानी अगर आप कुछ नहीं लिखते और स्ट्रक्ट के अंदर कोई डेटा मेम्बर्स और फंक्शन लिख देते हैं दे आर पब्लिक बाई डिफ़ॉल्ट और क्लास के अंदर द डिफॉल्ट विजिबिलिटी जो है वो प्राइवेट है कुछ ना लिखें तो हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी एक्सप्लिसिटली उसको पब्लिक कोलन लिख के उसका इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ तक अगर आप समझ लें कि जी स्ट्रक्ट और क्लास असेंशली आर वेरी सिमिलर और सिर्फ उसके अंदर ये प्राइवेट और पब्लिक विजिबिलिटी का फ़र्क है तो यू रियलाइज कि जो कुछ मैंने अभी तक आपको बताया ऑफ यूजिंग क्लासेज एज डेटा मेम्बर्स विद इन अनदर क्लास यू कैन यूज स्ट्रक्ट्स नो डिफरेंस बट नाउ मूविंग ऑन स्ट्रक्ट के अंदर हम स्ट्रक्ट डिफाइन कर सकते थे वी कुड हैव डिफाइंड अ स्ट्रक्चर इन साइड अ स्ट्रक्चर द क्वेश्चन हेयर इज कैन वी डिफाइन अ क्लास इन साइड अ क्लास वेल आई विल ओनली टॉक अबाउट क्लासेज इन साइड क्लासेज बट यू शुड रियलाइज कि जो कुछ मैं क्लासेज के लिए कह रहा हूँ वो स्ट्रक्ट के लिए भी वैलिड है यानी मैं अब बताने लगा लगाऊँ आपको कि एक क्लास के अंदर आप पूरी क्लास डिफाइन कर सकते हैं अभी पहले जो हमने बात की थी की थी कि जी बाहर हमने एक क्लास पूरी डिवेलप की हुई है और अपनी नई क्लास के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर फॉर डिफाइनिंग अ डेटा मेम्बर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन अ क्लास वी डिफाइन अ न्यू क्लास ये एक और लेवल ऑफ इनकेप्सुलेशन है एंड वट आई मैंशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड क्लासेज वट आई वॉन्ट टू रिएटरेट इज किफ वी कैन डिफाइन अ क्लास इन साइड अ क्लास देन वी कैन डिफाइन अ स्ट्रक्चर ऑल्सो इन साइड अ क्लास नन द लेस लेट्स जस्ट मूव ऑन सी हाउ वी डिफाइन अ क्लास इन साइड अ क्लास इट्स फेयरली सिंपल इनफैक्ट देर इज नथिंग कॉम्प्लीकेटेड अबाउट इट इफ़ यू लुक एट द कोड एग्जाम्पल्स दैट वी गिवन यू वी स्टार्ट द क्लास डेफिनेशन और उसके अंदर नथिंग न्यू यू जस्ट स्टार्ट एन अदर क्लास डेफिनेशन सो एक क्लास पूरी की पूरी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन की जा सकती है उसके सारा डेटा स्ट्रक्चर आप बिल्कुल उस तरह लिखेंगे जैसे ऑर्डनरी बाहर हम क्लास का लिखते हैं उसी तरह उसका इंटरफेस डिफाइन करेंगे पब्लिक और प्राइवेट विजिबिलिटी की तरह एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग इट्स मेंबर फंक्शंस विच यू कैन राइट आउटसाइड ऑफ द इनक्लोजिंग क्लास और यू कैन राइट इन वो उसमें थोड़े से फ़र्क आते हैं लेकिन बेसिकली नथिंग न्यू नथिंग रॉकेट साइंस जस्ट अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड परस्पेक्टिव ऑन लाइफ अगेन इज देर अ रीज़न फॉर डूइंग सो रीज़न इसका सिंपली ये बनता है कि जनाब आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को एक जगह में इकट्ठा करना चाह रहे हैं इफ़ यू कैन कलेक्ट दैम इन टू वन सिंपल प्लेस देन इट इज़ बेटर बिकॉज इट्स लीड्स टू इजियर मैनिपुलेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स वेन वी स्टार्ट डिफाइनिंग अ क्लास विद इन अ क्लास एक कर लें दो कर लें तीन कर लें एज लॉन्ग एज कोई कोहेरेंस होनी चाहिए जैसे अभी हमने मेट्रिक्स का एग्जाम्पल किया यू कुड हैव थॉट के जी मेट्रिक्स के अंदर ही रो भी डिफाइन कर लो कॉलम भी डिफाइन कर लो एज मेम्बर क्लासेज नाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स नाउ वी टॉकिंग मेम्बर क्लासेज याद रहे कि जब हम क्लास को डिफाइन करने जाते हैं उस वक्त ना उसका कोई ऑब्जेक्ट तैयार होता है ना कोई मेमोरी एलोकेशन होती है कुछ नहीं होता इट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ यूजर डिफाइन टाइप हेयर वेन वी डिफाइन अ क्लास इनसाइड अनादर क्लास द सेम थिंग होल्ड इट्स सिंपली अ डेफिनेशन जब तक वो अंदर वाली क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हम डिक्लेयर करते विद इन द क्लास डेफिनेशन उस वक्त तक ये पड़ी रहेगी इसके लिए कोई मेमोरी रन टाइम पे भी एलोकेट नहीं होगी नन द लेस वेन वी डिफाइन और वादा वेन वी डिक्लेयर कि कोई इनक्लोजिंग क्लास जो बाहर वाली क्लास है उसका एक डेटा मेम्बर जो है दैट इज़ ऑफ टाइप ऑफ द क्लास डिफाइंड इन और फिर जब जाके आप बाहर वाली क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त जाके सारी मेमोरी एलोकेशंस होने लग पड़ती हैं नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू यूज वेरी ऑफन इट इज़ क्वाइट रेयर बट समाइम्स वेन यू गेट इन रियली कॉम्प्लिकेटेड बिग प्रोग्राम्स यू माइट वॉन्ट टू यूज़ दिस फीचर एंड पुट द होल थिंग इन अ बिग बॉक्स ये आप इसका तस्वुर उसी तरह से करें वो जो हमारा एक स्टैंडर्ड बचपन में देखते आए हैं कि जी डब्बा खोला उसमें से छोटा डब्बा फिर छोटा डब्बा एंड सो ऑन दिस एग्जैक्टली लाइक दैट अ क्लास इनसाइड अ क्लास

और फिर कहते हैं ये बाहर वाली क्लास के अंदर डिफाइंड है और उसका फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें विच बिकम्स ऑर्डनरी विच बिकम ऑर्डनरी डेटा ऑफ द में क्लास कोड को आप जरूर रिव्यू कीजिएगा वॉट यू हैव टू स्टार्ट वरिंग अबाउट इज कि जी कौन सी चीज को हाथ लगाया जा सकता है कौन सी को नहीं नॉर्मली द विजिबिलिटी और द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एनक्लोज क्लासेज इज डिक्टेटेड बाय दम सेल्व इन अदरवर्स जो एनक्लोज क्लास ने चीज प्राइवेट कर दी वो प्राइवेट रहेगी जो एनक्लोज क्लास ने चीज़ पब्लिक कर दी वो बाहर वाली क्लास के इस्तेमाल में आ सकती है यू कैन कॉल पब्लिक मेंबर फंक्शंस ऑफ एन एनक्लोज क्लास यू कैन नॉट कॉल प्राइवेट मेंबर फन्फ़ एन एनक्लोज क्लास नन अगेन वी हैव अ टूल अवेलेबल जिससे हम ये प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं आपको याद होगा वो टूल जो है उसको हम फ्रेंड कहते हैं सो so, अगर कोई अंदर वाली क्लास ने बाहर वाली क्लास को कोई एक्सेस देना हो तो वो बाहर वाली क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर कर सकती है ना इट्स साउंड लिटल स्ट्रेंज कि ना बाहर वाली क्लास के तो अंदर है इनक्लोज क्लास तो फिर फ्रेंड की क्या ज़रूरत है नन द लेस द प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस रूल्स आर कंप्लीटली एप्लीकेबल यू हैव टू एक्सप्रेसिटली गिव एक्सेस फिर थोड़ा सा चिकन एंड एग वाली सिचुएशन आ जाती है जब आप फ्रेंड एक्सेस के अंदर जाते हैं कि जनाब पहले क्लास का पता हो तो फिर हम उसको फ्रेंड बना सकते हैं न सपोज वी हैव एन आउटर क्लास कॉल्ड क्लास आउटर ठीक है उसके बाद हम उसके अंदर जाते हैं और कहते हैं क्लास इनर हम चाहते ये हैं कि जी आउटर क्लास जो है वो अपने आप को भी फ्रेंड डिक्लेयर कर दे इनर क्लास को दूसरा रास्ता ज़रा सा आसान है यानी बाहर आउटर आ गई उसके बाद इनर आई इनर अगर कहती है कि जी फ्रेंड आउटर तो डेटा एक्सचेंज हो सकता है इन वन डायरेक्शन हम चाहिए रहे हैं कि जी अंदर वाली क्लास भी बाहर वाली क्लास का प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सके सो so, बाहर वाली क्लास अपने तौर पे वो डिफाइन करेगी कि जी इनर जो है वो मेरी फ्रेंड है ओनली देन विल इनर हैव एक्सेस बट क्लास इनर हैज़ नॉट येट बीन डिफाइंड सो जो पहले हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निक एक सिंपल लाइन हम लिख देते हैं क्लास इनर सेमी कॉलन यानी क्लास आउटर के बाद अंदर उसकी डेफिनेशन है हमने सिंपली एक लाइन लिख दी क्लास इनर दैट सेज कि इनर इज़ अ क्लास क्या है वो बाद में आती रहेगी लेकिन हमने डिक्लेयर करने के बाद हम कह सकते हैं फ्रेंड इनर एंड दैट मीन्स वंस वी नो इट्स अ क्लास एंड वी डिक्लेयर इट एज अ फ्रेंड उसके बाद उसकी डेफिनेशन चलती रहे इनर ने अगर आउटर को फ्रेंड डिक्लेयर करना है क्वाइट सिंपल वो अपनी डेफिनेशन के अंदर करेगी आउटर इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एज अ क्लास सो यू डोंट हैव टू यूज़ दैट फॉर्वर्ड डेक्लेशन सिंटैक्स अगेन स्लाइटली कॉम्प्लीकेटेड बट लुक एट द कोड यू विल रियलाइज इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल इट्स क्वाइट लॉजिकल विजिबिलिटी रूल्स यू हैव टू रिव्यू थॉरली कौन सी चीज़ कहाँ से नजर आती है और कहाँ से नहीं नजर आती एक्सेस स्पेसिफायर्स यू शुड रिव्यू कहाँ पर डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होना है कहाँ पर डबल कॉलन इस्तेमाल होना है मेम्बर फंक्शन बाहर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर वाली क्लास का मेम्बर फंक्शन कब कॉल कर सकता है अंदर वाली क्लास जो है वो बाहर वाली क्लास का मेंबर फंक्शन कब कॉल कर सकती है कौन सा डेटा किसको विजिबल है यू हैव टू फॉर्म अ हार एंड स्टार्ट यूजिंग अ सिंपल टेक्निक दैट फॉर एग्जाम्पल आई यूज़ वो टेक्निक ये है कि जी अगर आप पेंसिल के साथ एक डब्बा बनाना शुरू कर दें और फिर उसमें दरवाजे बनाने शुरू कर दें तो आपको नज़र आ जाता है कि दरवाज़े के अंदर से क्या चीज़ नज़र आती है और अगर पीछे पर्दा है तो पर्दे के पीछे जो है वो प्राइवेट डेटा है जब भी आप कोई चीज़ फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं तो इन अ वे वो पर्दे को आपने साइड पे कर दिया एंड यू गॉट एक्सेस टू द थिंग्स बिहाइंड द कर्टन इफ़ यू स्केच अ लिटिल डायग्राम यू विल बी एबल टू सी कि किस चीज़ को क्या चीज़ नज़र आती है सिर्फ जिस चीज़ का ख्याल रखना है विद दिस वेरी सिंपल टूल या एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूँ कि जी डब्बे बना लें और दरवाजे खिड़कियाँ खोल लें के डिफरेंस ये है कि जी आमतौर पे अगर हम कमरे के अंदर पर्दे को साइड पे करें तो नॉट ओनली कैन वी सी बिहाइंड द कर्टन इफ देर अ पर्सन बिहाइंड द कर्टन दे कैन ऑल्सो सी अस इन दिस केस इट इज़ नॉट टू वे ट्रैफिक फॉर क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स इट्स नॉट टू वे ट्रैफिक इट इज़ हु डिक्लेयर्स होम अ फ्रेंड अगर बाहर वाली क्लास ने अंदर वाली क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर किया है दैट मीन्स कि अंदर वाली क्लास बाहर वाली क्लास के प्राइवेट डेटा को देख सकती है अगर अंदर वाली क्लास बाहर वाली क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर करे तो बाहर वाली क्लास अंदर वाली क्लास के डेटा स्ट्रक्चर को देख सकती है सो यू कैन जस्ट कॉन्सेप्चुअली डू दैट बट प्लीज़ रिव्यू द कोड दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेक्निक एक और पॉइंट क्लैरिफाई करना लाजमी है यहाँ पर जब भी हम क्लास डिफाइन करने चाहते हैं तो हम उसके मेम्बर फंक्शंस कहाँ पर लिखते हैं जस्ट थिंक अबाउट इट

हम वो एक्सेस स्पेसिफायर जो है उसका यानी जो डबल कोलन है हम कहते हैं क्लास नेम डबल कोलन फिर फंक्शन नेम और फिर उसकी डेफिनेशन तो ये जब इनर और आउटर क्लासेस की बात हो रही होती है तो इनर क्लासेस के भी तो फंक्शंस होंगे तो उनको कैसे लिखा जाए आंसर इज़ क्वाइट अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू विल राइट समथिंग लाइक अगर हमारे पास एक आउटर क्लास है फिर उसके अंदर एक इनर क्लास है और सपोज इनर का एक कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी इनर होगा तो उसको लिखा जाएगा दोनों क्लासेस से बाहर निकल के अलहदा से आप लिखेंगे आउटर कोलन कोलन इनर कोलन कोलन और फिर फंक्शन का नाम फॉर अ कंस्ट्रक्टर इट इज़ अगेन इनर पैरेंथिस और फिर उसकी डेफिनेशन आएगी सो सिंपली बाई यूजिंग द डबल कोलन प्रीफेक्स यू स्टार्ट डिफाइनिंग आउटर क्लास डबल कोलन इनर क्लास डबल कोलन मेंबर फंक्शन नेम and so on. So or nest B kar karsakyan classes को. you could have outer, inner one, inner two, inner three. I don't know when you would want to do that, but sometimes maybe once in your life you come across a situation where you might want to do that. The rules are extendable, they apply in exactly the same fashion. Let us ye matlab ku bohat ziya common use ki nahi, but for the sake of completeness, this is what we have looked at today. In the first half of the lecture, we looked at using objects as data members within outer classes. This in fact is quite a common use. In fact, before even you graduate, you probably will use a lot of this technique. So, using objects inside or as data members of enclosing classes is quite common and it is very very useful because it allows you to use them as building blocks of more complex objects. using inner classes, which is classes within classes, is slightly less common, but again, in classes like, or rather in languages like java, iska use, kafi atah, or vaham pejava ponchenge, you will notice that you might be using this technique more and more. the basic concepts that we have discussed will be applicable. so you have to be aware of the order of creation and destruction. You have to be aware of visibility or intervisibility of data members or functions. Cheez kaise nazar aati hai. Lekin wo jo pehla wala hissa tha, that, in my opinion, is more common usage using objects or even arrays of objects within classes as data members. Agridafa we templates keep discussion or templates ke after chalte, chalte then we will wrap up with our code example. So till next time, Allah Hafiz.